हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब सेफ होंगे। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता होगा कि दीदू, अगर आप साउथ कोरियन कल्चर के बारे में बताते हो एंड आप साउथ कोरियन लैंग्वेज के बारे में बताते हो तो उसके साथ साथ एक एक पॉइंट आप बताया करो, लाइक अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर तो कौन कौन से जॉब कैसे कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई करते हैं एंड इंडियंस को वो जॉब पर रखेंगे एंड अगर कोई इंडियंस जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकता है साउथ कोरिया में। सो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं सिर्फ एक एक टॉपिक करके सारी चीज़ें कवर करूँगी। सो आज का टॉपिक ये रहेगा कि क्या अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं एंड आप सोचते हैं कि क्या हम साउथ कोरिया जाकर इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इंडिया में हूँ एंड मैं इंग्लिश बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ एंड स्कूल में भी पढ़ाती हूँ या पढ़ा सकती हूँ इन फ्यूचर जाकर, तो क्या अगर मुझे साउथ कोरिया जाना पड़े तो वहाँ पर मैं जाकर ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, एज ए इंग्लिश टीचर वहाँ पर अपना कैरियर बना सकती हूँ। सो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप कि आप एंड तक देखेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्या आपको पता है कि अगर आप साउथ कोरिया में हैं एंड अगर आपकी जॉब टीचिंग फील्ड में लग जाती है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जॉब माना जाता है, यानी कि उसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लाइक $2,000 से तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं एंड सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है, मतलब कि अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इसी में सैलरी मिलती है एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है। सो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप टीचर बनते हो तो आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगा। अगर आप साउथ कोरिया में जाते हो एज अ इंग्लिश टीचर तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि अगर आप जैसे इंडिया में हो एंड आपके लिए ईजी होगा कहीं भी लाइक इंग्लिश पढ़ाना, बट साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली साउथ कोरिया के जो यूनिवर्सिटी होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंग्लिश टीचर की, तो वो सोचते हैं कि मुझे नेटिव कंट्री से चाहिए। नेटिव मींस ये कि मैं उसी कंट्री से टीचर हायर करूँ जिसकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश हो। फॉर एग्ज़ाम्पल UK, US, कैनेडा, यहाँ सबसे वो टीचर्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप USA से हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं एंड वो ईजिली आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहेंगे। एंड फन फैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे जैसे US, कैनेडा, यहाँ सब के जो लोग होते हैं वो इसी जॉब के लिए ही साउथ कोरिया जाते भी हैं, मतलब उनके लिए कितना ईजी होगा ना, उनको अपनी ही लैंग्वेज सिखानी है, कोरिया में आकर उनको अपनी ही लैंग्वेज सिखानी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड अच्छा खासा वो चार्ज भी लेते हैं एंड उनको पेमेंट भी किया जाता है। बट अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एशियन से किसी भी कंट्री से हैं, तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश तो नहीं होगी ना। इसके लिए अगर आप सोचते हैं कि मैं साउथ कोरिया जाकर इंग्लिश टीचर बनूं, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मतलब ये कि आप अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे अप्लाई करने के लिए कि मैं इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो आपको जॉब पर नहीं रखेंगे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप TOEFL या IELTS भी दिखाते हैं तब भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए एज ए इंग्लिश टीचर जॉब पाना। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ा ही नहीं सकते, डेफिनेटली आप पढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि सबसे अच्छी बात है कि अगर आप होम ट्यूशन देते हैं, लाइक ट्यूशन अगर देना चाहते हैं, तब आप आराम से दे सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ी ना रिक्वायरमेंट्स होती है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या क्या कहाँ से हैं, अब बस आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोरियंस जनरली हायर करते हैं कि वो हमारे बच्चों को आकर होम ट्यूशन दे कोई, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आप अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं पर आवर्स के बेस पर भी। जो लोग भी इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बट वो पर्सनली ट्यूशन लेकर भी पैसे कमा सकते हैं एज ए इंग्लिश टीचर। सो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली बतानी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहा होगा तो अब आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश या तो अच्छी है पहले से ही, लाइक CBSE बोर्ड से हो, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी ही होगी। सो आप साउथ कोरिया में जा सकते हो एंड ईजिली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो एंड अगर टीचर बनते हो तो वाह, उससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप तो इसे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड बाकी के सारी इन्फॉर्मेशन लाइक एक एक करके मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर, स्टडी के बारे में एक एक वीडियो में बनाऊंगी एंड वो स्पेशली उसी पर डेडिकेटेड होगी, सो दैट कि मैं थोड़ा अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप फॉलो करना चाहें तो। ओके, तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।